नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास हेडलाइंस पर। हिमाचल के किसान घर बैठे कर सकेंगे 5 योजनाओं के आवेदन। गन्ना किसानों को जल्द मिलेगी बकाया राशि। बिना सूर्य की रोशनी के की जा सकेगी खेती, वैज्ञानिकों ने खोजा तरीका। फ्यूज समय पर ठीक ना होने, खराब मीटर समय पर ना बदलने पर मिलेगा मुआवजा। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के कृषि निदेशालय ने किसानों की सुविधाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत किसान खेत में बाड़ लगाने और पॉली हाउस बनाने से संबंधित 5 योजनाओं का घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पारदर्शितापूर्ण तरीके से देना है और किसानों को सुविधा प्रदान करना है। इसके तहत किसानों को कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना, मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना और मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस जीर्णोद्धार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलेगी। आप प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर इन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार इन 5 योजनाओं में 80% तक अनुदान देती है। हरियाणा सरकार ने गन्ना किसानों को साल 2021-22 की बकाया राशि का भुगतान करने का फैसला लिया है। कुछ किसानों को पहले ही भुगतान कर दिया गया है, शेष बचे हुए किसानों को जल्द ही भुगतान किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने मई माह में 78.92 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी कर दी है। दरअसल गन्ना किसानों को उपज बेचने के बाद भुगतान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। प्रदेश में किसानों का चीनी मिलों पर 314 करोड़ रुपए बकाया है। इसके लिए सहकारी मिलों को 78.92 करोड़ और निजी मिलों को 57 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने सूर्य की रोशनी के बिना खेती करने का तरीका खोज लिया है। वैज्ञानिकों ने जैविक प्रकाश संश्लेषण की जगह कृत्रिम प्रकाश की खोज की है। इस तकनीक के तहत पानी, बिजली, कार्बन डाइऑक्साइड को एसीटेट में बदलने के लिए 2 चरणों में इलेक्ट्रोकैटलिटिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें खाद्य उत्पादक ऑर्गेनिज्म तैयार करने के लिए अंधेरे में एसीटेट का उपयोग किया जाता है। बता दें कि ये तकनीक सौर ऊर्जा को भोजन में बदलने का एक अच्छा तरीका है। फसली पौधों को उगाने के लिए इस तकनीक को नियोजित करने की क्षमता की जाँच की गई है, जिसमें जब अंधेरे में खेती की गई तो टमाटर, हरी मटर, चावल, तंबाकू, कनोला सभी एसीटेट से कार्बन का प्रयोग करने में सक्षम रहे। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली से संबंधित नियमों का एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें समय पर फ्यूज ठीक ना होने पर प्रभावित उपभोक्ताओं को मुआवजा देने और वोल्टेज बढ़ने पर घरेलू उपकरण फूके जाने पर मुआवजा राशि बढ़ाकर 5,000 करने जैसे प्रावधान हैं। आयोग ने इस ड्राफ्ट पर आम लोगों की राय मांगी है। इच्छुक किसान 11 जुलाई तक डाक या ईमेल के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। इस ड्राफ्ट के तहत अगर प्रदेश के किसी गली या मोहल्ले में फ्यूज उड़ने से गुल हुई बिजली को 4 घंटे के अंदर ठीक ना किया गया तो उस मोहल्ले के प्रभावित हर उपभोक्ता को 10,000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। यही नहीं, वोल्टेज बढ़ने पर घर के फ्रिज, एसी जैसे साधारण उपकरण फुक जाने पर मुआवजा राशि को 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जाएगा। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में नियमानुसार बिजली आपूर्ति नहीं की जाती तो उपभोक्ताओं को 20 रुपये प्रति घंटा और पूरे मोहल्ला होने पर 10 रुपये प्रति उपभोक्ता के हिसाब से दिया जाएगा। मोटर खराबी की शिकायत पर 30 दिन के भीतर टेस्टिंग करनी होगी। ऐसा ना करने पर उपभोक्ताओं को 50 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, हमारे बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।